आपके सपने अब होंगे पूरे। चालीसा हिलव्यू के साथ तिरुपति डेवलपर्स एंड कॉलोनाइजर्स की नई पेशकश। हमारा पता है किशोर न्यायालय के पास, राजघाट रोड, लिंक रोड, तिली सागर। रीवा जिले के मऊगंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक प्रदीप पटेल बिजली विभाग की जिला कार्यालय में गड्ढे डालकर मौन धरने पर बैठ गए, जिससे लोग हैरान हो गए। अधिकारियों ने विधायक से मुलाकात की तो उन्होंने गोपनीयता रखते हुए क्षेत्र की समस्याओं को खत्म करने का 67 प्रकार की मांगों का पत्र सौंप दिया। वहीं विधायक ने मऊगंज में पदस्थ डीई हरिवंश प्रसाद शुक्ला को हटाए जाने की मांग भी की। तब अधिकारियों ने समस्याओं के निराकरण को लेकर आश्वासन दिया, लेकिन फिर भी विधायक नहीं माने। एक तरफ कोरोना संकट काल में शासन प्रशासन लगातार इसके रोकथाम के लिए प्रयास कर रहा है, वहीं नेताओं के द्वारा लगातार कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, मगर प्रशासनिक अमले के द्वारा इस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने की बजाय नेताओं की मान मनोवल जारी है। भाजपा विधायक प्रदीप पटेल के द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन का, जिसमें उन्होंने बिजली विभाग के अधीक्षण यंत्री कार्यालय में विरोध स्वरूप धरना दिया, जबकि कोविड 19 की गाइडलाइन के तहत धरना प्रदर्शनों में प्रतिबंध लगाया गया है। जानकारी के मुताबिक भाजपा विधायक प्रदीप पटेल मऊगंज विधानसभा में बिजली की समस्याओं को लेकर कई बार मुखर हो चुके हैं। वहीं बीते लंबे समय से वो विद्युत विभाग में पदस्थ क्षेत्र के मुख्य अभियंता हरिवंश प्रसाद शुक्ला से उनकी नाराजगी भी है, जिससे वो धरने पर बैठे। बताया जा रहा है कि विधायक और मुख्य अभियंता हरिवंश प्रसाद शुक्ला का आपसी विवाद चल रहा है, जिसके चलते विधायक ने अपने पावर का दुरुपयोग करते हुए धरना प्रदर्शन किया और अधिकारी को हटाने की बात कही। वहीं अधिकारियों के आश्वासन के बाद विधायक माने। माननीय विधायक जी, मऊगंज श्री प्रदीप पटेल जी द्वारा अपने क्षेत्र की कुछ बिजली संबंधी समस्याओं को बताया गया है, उन्हें आश्वस्त किया गया है कि जल्दी से जल्दी इसका पूरा सर्वे करा के और जो समस्याएं तुरंत निपटाने लायक हों उनको तुरंत निपटा दिया जाएगा, और जो जिसमें से कुछ एस्टिमेट वगैरह बनाने की आवश्यकता है उसको समय सीमा के अंदर पूर्ण करा दिया जाएगा। तो क्या बताया है? उठ जाएंगे, धरने से उठेंगे, आश्वासन दे दिया गया है। मांग क्या थी? मांग बिजली विभाग से संबंधित है, कुछ केबल जली हुई हैं, कुछ ट्रांसफार्मर जो हैं, कुछ काम उसमें से हो भी गया है जो उन्होंने बताया है। मतलब विभाग की कुछ लापरवाही रही होगी जिसकी वजह से आज विधायक को यहाँ बैठना पड़ा? नहीं, लापरवाही तो नहीं है। आंधी तूफान अभी 2-3 दिन पहले जो आए थे उसमें कुछ केबल वगैरह टूटी थी, तो काम जारी है, लगातार काम जारी है और 2-3 दिन के अंदर सब कम्प्लीट होगा। सर, दोपहर 1 बजे से उतरने पर क्या कितना समय चूक गया? नहीं, उनको उसी समय पूरा ले लिया गया था। तो आप कार्यालय में बिस्तर लगा के लेते हैं? वो बोल रहे थे वहाँ नीचे लेट जाऊँगा कहीं से। कोरोना काल में धरना प्रदर्शन पर रोक लगाएगी सर? अभी ये मैंने कलेक्टर साहब को बताया सर, ऐसी ऐसी बात है, और अपने वरिष्ठ अधिकारी मुख्य अभियंता महोदय को बता दिया, जिसको बता सकते थे। डी साहब के निर्देशानुसार मैं विधायक जी से मिला। विधायक जी बोले कितनी शिकायतें? हमने कहा 67 शिकायतें हैं। बोले कितने का निदान हो गया? हमने कहा कुछ शिकायतों का निदान हो गया। मेरा ये कहना है कि जो भी शिकायतें मैंने देखी, ट्रांसफार्मर जले से संबंधित हैं। शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि ट्रांसफार्मर बदलने के संबंध में कि टोटल कंज्यूमर का 50% कंज्यूमर या तो पैसा जमा करें या टोटल बकाया राशि का 10%, ये हमारे राज्य सरकार का निर्देश है। और यदि बकाया राशि नहीं जमा है, 10% से कम है, तो ट्रांसफार्मर बदलने के नियम नहीं। विधायक साहब, आपकी क्या बात हुई जी? विधायक साहब और कुछ नहीं बात हुई, बोले कि हो गया, साहब निदान करेंगे और कोई मेरी बात नहीं। कोई मांग की उनकी, किन मांगों को लेकर बैठे हैं? मांग वही ट्रांसफार्मर जले बदले जाएं, और पोल शिफ्टिंग है तो पोल शिफ्टिंग में क्या कंज्यूमर स्वयं पैसा जमा करता है, उसमें 5% जो एक जो सुपरविजन चार्ज जमा करा के स्वयं ठेकेदार से कार्य कराए, ये हमारे विभाग के नियम है। मऊगंज डी को लेकर कुछ नहीं? मऊगंज डी के विषय हमको जानकारी नहीं है, और जहाँ तक हमको 6 महीने से कार्य करते हो गया, वो काफी एक्टिव अधिकारी हैं। और कितनी मांगे चाहते हैं कि पूरी हो? कितनी मांगे हैं? अब जैसे केबल जली संख्या में कितनी मांगे हैं? ये टोटल संख्या मैंने देखी 67 है, तो 67 में केबल जली, लाइन बिछाना, ट्रांसफार्मर लगाने के लिए ऐसा नहीं है, वो खुद मतलब विधायक फंड उपलब्ध कराएं,
तो कुछ ट्रांसफार्मर लगाए जा सकते हैं। कई दिनों से क्षेत्र की समस्याओं को लेकर खासतौर से बिजली विभाग के जले ट्रांसफार्मर के लिए सबके लिए बराबर लोगों के संज्ञान में गया था। कुछ अधिकारी नीचे हैं जो फ़ोन नहीं उठा पा रहे थे और इस कारण से मैंने ये जानकारी ऊपर बताई, उनको व्हाट्सअप में भी यहाँ वरिष्ठ अधिकारी को बताया था। इसके तहत मुझे एक हफ्ते में काम को पूरा करने के लिए बोला गया था, मगर वो कई दिन हो गए, एक हफ्ते, दो हफ्ते, तीन हफ्ते, काम नहीं हुआ। आज मैं अधिकारी के सामने आया, फ़ोन करके आया कि मेरे सारे काम मैं आ रहा हूँ, आप बैठ कर के एक एक करके काम पूरे कराइए। और हमारी बात हुई, दो घंटे हम लोग बैठे रहे। बैठने के बाद आप घर से खाना नहीं खा के आए थे अजी साहब, तो बोले हम खाना खाने जा रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है, जब तक आप खाना खा के आ रहे तब तक मैं लेटा हूँ। तो मैं वहीं, क्योंकि मेरी गाड़ी में परमानेंट गद्दा उद्दा रहता है, तो मैं बैठ कर के लेट गया। अभी हमारे सब बातचीत हुई है, इन्होंने बोला तीन दिन के अंदर सारे काम हो जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, ट्रांसफार्मर जले बदलना, केबिल बदलना, यही काम है, कोई ऐसे काम नहीं है कि नया सब स्टेशन खोलना, ये तरह का। वो इनको बता भी दिया इसी को कि हमारे ऑफिस में जितने आवेदन आए हैं, जितना मैंने पत्र लिखा है, क्योंकि अभी ऑफिस नहीं खुला है, वहाँ से भी और कागज आ जाएंगे, उसमें जो कर सकने योग्य वाले काम हैं वो सब आप कर देंगे। कई घंटे तक मीडिया ने आपसे संपर्क करना चाहा, आपने किसी भी बात के जवाब नहीं दिया, मौन रहे। मीडिया जो है वो उसको ये धरना का रूप दे रहा था, इसलिए हमारा काम है, हम बैठे हैं। मेरी तरफ से कोई अधिकारी मांग नहीं की जा रही है, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, ना तो मैंने किसी को अधिकारी को मांग किया है, हटाने की मांग किया, ना कार्यवाही की मांग किया, ना कुछ किया। अगर ये आपको ये जानकारी वरिष्ठ अधिकारी ने दी है, ये गलत जानकारी है। क्यों, आपको मैंने बोला क्या? फिर आप कैसे अपने मन से लिखा? अभी आपने धरना समाप्त किया है, क्या आश्वासन मिला? मैंने अभी ये बोला है, हमारे अध्यक्ष जी बोले हैं कि बैठ करके, कल संडे है, लगातार आपके दो तीन दिन के अंदर सारे काम होंगे। तो मैंने कहा मैं यहाँ बैठा रहूंगा, क्या दिक्कत है, कुर्सी में बैठा रहूँगा, पैर सूज जाता तो लेट गया, तो कुर्सी बैठे बैठे काम करा लेंगे। इनने कहा जरूरत नहीं, तीन दिन के अंदर काम हो जाएगा। हमारे माननीय अध्यक्ष हैं, सरकार पार्टी के माननीय अध्यक्ष हैं, उनने तीन दिन के लिए बोला है, अब ये लगेंगे, काम होगा। अगर नहीं होता तो भी देखेंगे, अगर नहीं होता तब क्या करें, उस समय आपको खुद ही पता चल जाएगा। रीवा से अर्पित पांडे, सागर ट्यूब न्यूज। आपके सपने अब होंगे पूरे, चालीसा हिल व्यू के साथ तिरुपति डेवलपर्स एंड कॉलोनाइजर्स की नई पेशकश, 7.83 एकड़ में आवासीय प्लाट, चालीसा हिल व्यू, सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी में सभी साइजों में आवासीय प्लाट उपलब्ध है, पूर्णतः वैध कॉलोनी, संपूर्ण रूप से कवर्ड कैंपस, गार्ड रूफ, पार्क, 24 घंटे सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, चौड़ी सीसी रोड, प्राकृतिक सुंदर पहाड़ों के बीच स्थित कॉलोनी, प्रदूषण मुक्त वातावरण, वाटर सप्लाई ओवरहेड टैंक द्वारा, सिवर लाइन हेतु सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, सुंदर स्ट्रीट लाइट, राष्ट्रीयकृत बैंकों से फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें, हमारा पता है किशोर न्यायालय के पास, राजघाट रोड, लिंक रोड, तिली सागर।